Hello, everyone. My name is Agangsha Ranjan, and I have qualified UTC NET with JRF in law subject. Welcome back to the channel. And uh, I'm here with the second most demanded uh, topic that is, Consumer Protection Act. In the last video, I have dealt with the Competition Act. If you have not seen it, please go back and watch that video. That is very

ईच ईयर सो लेट स्टार्ट विदीडियो सो अभी आज की डेट पे आप अगर पिछले दो तीन साल के पेपर्स देखोगे तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओरिजिनल वाला है ना जो कि नाइनटीन एटी सिक्स का था उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्वेश्चंस आते हैं जो हमारा अमेंडमेंट हुआ ना टू थाउजेंड नाइनटीन में उसमें से क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो हम उसी के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं हम पूरा पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हेल्पफुल बिल्कुल भी अभी नहीं रहा है Uh, अब हम uh, ने, uh, आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है तो सिलेबस में ये तीन पॉइंट्स मैंशन हैं जो हमारा सिलेबस अगर हम यूजीसी नेट से डाउनलोड करते हैं तो ये तीन पॉइंट मैंशन है तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें किस किस एरिया uh, में ध्यान ज्यादा देना है क्योंकि द एक्ट इज क्वाल लार्ज तो डेफिनेशन uh, है कंज्यूमर राइट्स है रिड्रसल मैकेजम मतलब है कि जो हर एक्ट में जो हमारे डेफिनेशन दिया होता है जनरली अंडर सेक्शन टू तो उसके अंदर जो ए बी सी डी ऐसे डेफिनेशन दिए होते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आर सिलेबस सेकेंडली कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थर्डली उसके डिट्रोसल मैकेनिज्म क्या है क्या कमीशन है नेशनल क्या है स्टेट क्या है डिस्ट्रिक्ट क्या है मीडिएशन करने का एक नया प्रोसीजर शुरू हुआ है उसके बारे में थोड़ा तो ऐसे करके हमें ध्यान देना है स्पेशली ठीक है अब आता है हमारा एक बैकग्राउंड जो हम एक बार समझेंगे कि इसके बारे में क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है कहाँ से आया अभी क्या है कैसा है तो देखो 1986 में जो एक्ट था ना उसको हमने रिपील कर दिया और अब हमारा कौन सा आया 2019 वाला एक्ट राइट सेकंड हमारा ये इनैक्टमेंट डेट है नाइन एट 2019 और हमारा इन्फोर्समेंट डेट है ट्वेंटी फोर्थ सेवन 2020 ये दोनों में डिफरेंस है और ये याद रखना तीसरी बात आती है हमारी कि और कितने हैं ठीक है थीके? जो भी minor act है न, major भी है like ना का IPC, etc. तो उसके हमारे कितने हैं और कितने सेक्शंस हैं ये हमें याद रखने ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास एट चैप्टर्स हैं और वन हंड्रेड सेवन सेक्शन है ठीक है अब हमारा है ये इम्पोर्टेंट सेक्शन सेक्शन हंड्रेड जिसमें बताया है कि जो हमारा 2019 में जो एक्ट अमेंडमेंट वाला है वो और 1986 में जो आया हुआ था वो क्या अब वो नहीं रहा है या फिर वो हटा दिया गया है या वो भी है और ये भी है ऐसा तो इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन हंड्रेड में जिसमें दिया हुआ है कि दिस एक्ट इज इन एडिशन एंड नॉट इन डेरोगेशन टू एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बींग इन फोर्स मतलब ये इन डेरोगेशन नहीं है मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई और एक्ट है फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड एक एक्ट है तो उसके डेरोगेशन में नहीं है मतलब अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है तो उसको कट करके इसको भी ला, इसको लाया जाएगा ऐसा नहीं है इन एडिशन है मतलब वो भी रहेगा और उसके एडिशन में हमारा ये वाला एक्ट भी आ गया है ठीक है ये हमारे सेक्शन का मतलब है और ये स्पेशल एक्ट है जो कि खाली कंज्यूमर्स एक्ट हम कह सकते हैं ठीक है थीके? अब हमारा है सेक्शन टू जो है उसके अंदर टोटल फोर्टी सेवन डेफिनेशन दिए हुए हैं दिए हुए हैं अब हम सारे फोर्टी सेवन नहीं याद करेंगे फॉर एग्जाम्पल दे आर वेरी कॉमन डेफिनेशन सारे एक्ट में दिए होते जैसे कि कोर्ट का वट इज कोर्ट वट इज ट्रिब्यूनल वट इज ऑफिस एसेट्रा वो हमें नहीं याद रखना है लेकिन जो इस एक्ट के कनेक्शन में जो इम्पोर्टेंट है ना जैसे कि कंज्यूमर कौन है फिर हमारा ये जो इसमें लिखा हुआ है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया इसके राइट्स जो है कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे डेफिनेशन मिलेंगे हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इसके सारे डेफिनेशन हमारे सेक्शन टू के अंदर ही अलग अलग पॉइंट्स में दी हुई है जो कि हमारे फर्दर एक्ट में हम मेंशन uh, देखेंगे कि हाँ अच्छा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी तो ये होगा बट वो होती क्या है इसका डेफिनेशन हमारे सेक्शन टू के अंदर मिलता है ठीक है नाउ अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्या क्या है तो देखो जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो हमारा आता है कि कंज्यूमर कौन है क्योंकि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना इस एक्ट का मोटिव है ऑब्जेक्टिव है लेकिन कंज्यूमर है कौन ठीक है क्योंकि केसेस में तो यही वो कहेंगे ना कि नहीं ये तो कंज्यूमर है ही नहीं इनको तो इस एक्ट के अंदर ही नहीं आना होगा तो इसलिए कंज्यूमर कौन है ये यहाँ पे दिया हुआ है अ कंज्यूमर एज एनी पर्सन बाइज गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन एंड यूटिलाईज सच गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और कॉमर्शियल यूज तो कंज्यूमर वो है जो की कोई भी गुड्स यानी कि आप चॉकलेट खरीदते हो या फिर आप टीवी खरीदते हो कोई भी गुड खरीदते हो और सर्विसेस सर्विसज मतलब की आप जाते हो कहीं से पार्लर में आप स्पा uh, लेते हो दैट इज अ सर्विस आप अगर जाते हो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से uh, उन, उससे कंसल्टेंसी कराते हो तो दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाई देम तो सिमिलरली जैसे हम लॉयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर किसी ने किसी इंसान ने लिए हैं इन एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन जैसे कि हम कंसीडरेशन में पैसे देते हैं इन रिटर्न तो इन रिटर्न ऑफ कंसीडरेशन अगर हमने ऐसा कोई गुड और सर्विसेज लिया है फॉर आवर पर्सनल यूज जैसे कि हम अगर टॉफी लेते हैं और अगर खुद के खाने के लिए वो टॉफी ले रहे हैं तो वो या फिर रीसेल या कमर्शियल यूज मतलब कि मैंने खरीद लिया 100 टॉफी खरीदे और अब मैं इसको रीसेल करूंगी या कॉमर्शियल यूज करूंगी तो उसके लिए तो ये है इस डेफिनेशन में दिया हुआ ठीक है अब हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ आ...

तो इस केसेस में हम कंज्यूमर नहीं है और अभी 2019 के एक्ट में क्योंकि द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वी हैव एडेड कि कोई भी जैसे कि हम मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं या एमेजॉन पे शॉपिंग करते हैं तो वो सारी जो शॉपिंग हम कर रहे हैं ना दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द एक्ट बिकॉज वहां पर भी हम गुड्स और सर्विसेज ही ले रहे हैं इन रिटर्न ऑफ द कंसिडरेशन इट इज जस्ट अ न्यू फॉर्म जिसमें हम कंज्यूमर uh, बनते हैं या फिर हम कोई कोर्ट ऑफ सर्विस लेते हैं तो दैट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन से या फिर डायरेक्ट सेलिंग टेली शॉपिंग से तो उसमें भी हम कंज्यूमर बन जाते हैं ठीक है तो टू पैकेट सेवन टू सेवन में हमारे कंज्यूमर की डेफिनेशन दी हुई है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड अब आता है हमारा कंज्यूमर राइट्स कंज्यूमर राइट जैसे कि कि सेकंड पॉइंट सिलेबस का क्लियरली मेंशन था हमें कंज्यूमर राइट्स पढ़ने हैं तो अब देखो कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं इसमें मैंने मेन मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं आप उसको भी शॉर्ट करके अपने नोट्स में एड कर सकते हो जैसे कि हमें प्रोटेक्ट करना है किसी भी हजारडस या डेट्रीमेंटल चीज से जो कि हमारी लाइफ को या प्रॉपर्टी को हो अब वो क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज खरीदी है जैसे कि पेंट खरीदा है जिसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस है जिससे कि हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला हो तो दैट इज आर राइट कि हम प्रोटेक्ट किए जाएं ऐसी किसी भी चीज से जिससे हमारी जान को खतरा हो या फिर हमारी प्रॉपर्टी को खतरा हो करेक्ट सेकंड हमारा कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए हमारे साथ दैट इज आर राइट थर्ड हमारा जितना भी गुड्स और सर्विसेज है ना दैट शुड बी अवेलेबल जैसे कि हमें कंपटीशन एक्ट में पढ़ा था कि कॉम्पिटेटिव प्राइस पे हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि हमारे साथ अनफेयर uh, ना हो ठीक है हमारे पास uh, सही तरीके से सही प्राइस पे चीजें अवेलेबल की जाए तो वो कॉम्पिटेटिव प्राइस पे हो दैट इज ऑल्सो अ राइट ऑफ द कंज्यूमर हमारा रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है कोई भी राइट right हमारा वायलेट होता है तो हम इसके अगेंस्ट हम इसके लिए कॉम्पनसेशन या फिर जो भी हमारा आगे का रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो हमें मिले दैट इज ऑल्सो और राइट कि हम रिड्रेसल पे जा सके ठीक है उसके बाद हमारा आता है हमें एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिले जितना हमें मिलना चाहिए जो भी हमारा राइट right वायलेट हुआ है ना उस वायलेशन के लिए हमें जितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उतना कॉम्पनसेशन हमें मिले दैट इज आर राइट उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर एजुकेशन इसका मतलब होता है हमारा अवेयरनेस हम कितना जानते हैं उस चीज के बारे में ये भी हमारा राइट right है कि हमें उस, उस चीज के बारे में अम uh, अवेयर कराया जाए एजुकेट कराया जाए दैट इज ऑल्सो राइट ऑफ कंज्यूमर राइट तो हमारा कंज्यूमर और कंज्यूमर राइट right की डेफिनेशन हमने पढ़ ली टू सेवन में है कंज्यूमर और टू नाइन में है कंज्यूमर राइट्स राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड राइट दिस इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं इन कॉमन टर्म्स जैसे कि हम हमें एड uh, दिखाया जाता है टीवी पे की uh, ये वाला जो सोप uh, है इससे हम फेयर हो जाएंगे ठीक है इससे हमारी स्किन जो है वो ग्लोई हो जाएगी या फिर हमें ऐड दिखाया जाता है किसी डिटर्जेंट का कि इससे 99.99 नाइन .99 पॉइंट नाइन नाइन परसेंट जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे तो इस तरीके से कुछ बहुत ज्यादा हमें मिसलीड किया जाता है किसी एड में अगर तो दैट इज कॉल्ड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अब वो कौन से हैं और कौन से नहीं हमने इस एक्ट में डेफिनेशन में पढ़ लिया है जैसे कि पहला है कि कोई फॉल्सली उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे वो है कुछ और और कुछ गलत उसके बारे में बताया जा रहा हो तो दैट इज फॉल्सली डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज तो दैट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट उसी तरीके से दूसरा है कि हमें कोई फॉल्स गारंटी दी जाए तीसरा है अगर हमें कोई अः uh, ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया किया जाए जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है ये हम नेक्स्ट डेफिनेशन में अभी डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है और फोर्थ आता है हमसे जान के कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कंसील किया जाए ठीक है मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट के बारे में जो हमसे छिपाया जा रहा है ठीक है अब हमारा आता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी टू थर्टी फोर में दिया हुआ है व्हाट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी ठीक है प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना मैन्युफैक्चरर की जिस प्रोडक्ट को जिसने मैन्युफैक्चर किया है या फिर जिसने बेचा है उसकी लाइबिलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्पनसेट अगर कुछ भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलता है तो उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी दो लोगों की दी हुई है यहाँ पे या तो सेलर की होगी या तो मैन्युफैक्चरर की होगी ठीक है तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट जो कि दिया हुआ है टू थर्टी फोर सेक्शन अब आता है हमारा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है 246 में दिया हुआ है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में पांच चीजें हैं जो दी हुई है स्लाइड पे जैसे कि कोई एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया हो मतलब जैसे कि अगर सौ करना था तो पांच हजार का किया है एक्सेसिव है ठीक है तो दैट इज मांगा है कि हमसे कि जैसे पाँच हजार जमा करो दैट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है फिर अगर डिस्प्रपोर्शनल नेट पेनाल्टी लगाई जाती है जैसे कि प्रोडक्ट ही सौ रुपए का है और उसके पे पेनाल्टी लगने वाली है दस हजार की तो दैट इज डिस्प्रपोर्शन ठीक है तीसरा है कि अगर हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं तो उसको रिफ्यूज किया जा रहा है एक्सेप्ट करने से दैट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट चौथा है कि बिना किसी रीजनेबल रीजन के उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया हो या फिर कोई भी कंज्यूमर पे ऐसा चार्ज लगाया गया हो जो कंज्यूमर को डिसएडवांटेज हो जिससे और वो अनरीज़नेबल हो तो ये सारे होते हैं हमारे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है फिर हमारा आता जो अभी हमने बैक साइड पे देखा था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेटेड तो उसका डेफिनेशन दिया हुआ टू फोर्टी सेवन में और इसके अंदर दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरर अगर कोई ऐसा गुड ऑफर करता है जो कि स्प्यूरियस है या फिर कोई आपको सामान देता है जैसे कि आपको कहा जाता है कि उससे वो बिल लेना ना भूले मेमो लेना ना भूले है ना तो वो अगर कोई प्रोवाइड नहीं करता है तो दैट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यू कैन क्लेम फॉर दैट की मतलब दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द बिल्स तीसरा है आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और तीस दिन के अंदर आप उसको रिटर्न करने गए हो वो डिफेक्टिव है बट वो रिटर्न करने से मना कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ट्रेड प्रैक्टिस फोर्थ शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने जैसे कोई सर्विसेज़ ली ठीक है तो उसके लिए आपने मान लीजिए कि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करी हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो अगर उसको वो जो कि कॉन्फिडेंस में होना चाहिए उसको अगर वो जो सेलर है उसको शेयर करता है ना बिना किसी जरूरत के, जरूरत के मतलब लॉ से रिक्वायर्ड जैसे कि कोर्ट ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी हो उसके अलावा अगर वो शेयर करता है जो जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन तो मतलब कॉन्फिडेंशियल है तो उसको अगर वो शेयर करता है दैट इज ऑल्सो अनफ्लेटरेड प्रैक्टिस तो मतलब जो सेलर है ठीक है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको कोई गुड नहीं दे सकता आपको बिल देने से मना नहीं कर सकता आपका प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव है तो उसको वापस लेने से मना नहीं कर सकता और अगर आपने कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है तो उसको वो कहीं और शेयर नहीं कर सकता अनलेस बाय लॉ इट इज रिक्वायर्ड राइट तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन अब हमारा आता है कि जुरिस्डिक्शन ठीक है जुरिस्टिक्शन में दो तरीके के मैं आपको समझा रही हूँ जैसे कि एक होता है मतलब पैसों से रिलेटेड कि इतने पैसे तक में इसकी जुरिस्टिक्शन होगी इतने पैसे तक में उसकी जुरिस्टिकुनियरी जुरिस्टिक्शन तो pecuni और दूसरा होता है टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन ठीक है तो पहले अर्लियर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 1986 वाले एक्ट के टाइम पे क्या था और नाउ का मतलब है कि अब क्या है एज पर 2019 तो पहले इसका जो कॉम्पनसेशन है वो वो दिया जाता था जो डिमांड कर रहा हो जैसे कि मैं कंज्यूमर हूं तो मैंने मान लो कि सौ रुपये का पेस्ट खरीदा था और अभी मैं कंज्यूमर फोरम में गई हुई हूं तो मैं कॉम्पनसेशन डिमांड कर रही हूँ दस हजार रुपए का ठीक है तो वॉट एवर आई एम डिमांडिंग उस बेसिस पे पे क्यों रिज्रेक्शन डिसाइड होती थी बट अब उस पर डिसाइड होती है जो कि हमने पे किया है जैसे कि हमने सौ रुपए पे किया है दैट विल बी डिटरमाइनिंग अमाउंट ठीक है ये नहीं कि मैंने जितना मांगा है उसके हिसाब से दैट इज इज द चेंज इन अदर थिंग टेरिटोरियल तो पहले क्या था कि आपने जहां से वो चीज खरीदी है ना क्या फिर जो दुकान वाला है उसका जो ऑफिस है उस एड्रेस के हिसाब से टेरिटोरियल रजिस्ट्रिक्शन डिटा होता था और अब क्या होता है अब हम जो कि कंज्यूमर हैं जिसने कंप्लेन किया है ना हम जा रहते हैं उसके हिसाब से टू तो गिव अस

एज अ कॉमन पर्सन ऑल्सो यू डोंट नीड टू हैव एन एडवोकेट ऑल्सो फॉर दैट और ऑल्सो आपका जो हियरिंग है जो एग्जामिनेशन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकता है ये सब इसलिए किया गया है सो दैट दीज थिंग्स दॉट क्रिएट अडरस इन यू गोइंग फॉर्वर्ड विथ योर कंप्लेट अगेंस्ट वट एवर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दिस इज द चेंज दिस इज अट चेंज तो दो हजार इक्कीस में रूल्स में लाया गया है और ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट प्लस बहुत सारे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये कि कितने लाख वाला कौन से jurisdiction में जाएगा जो कि कई बार change भी हो चुका तीसरी बार है तो ये ऐसा है ये ये हुआ तो ऐसा कि जो बारिश होते हैं ना ठीक है स्टेट कमीशन होते हैं और नेशनल कमीशन होते हैं और अमाउंट के हिसाब से आप उसमें डिसाइड करते हो कि कौन से में जाना है तो जैसे अगर पचास लाख तक की बात है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जाएगा अगर पचास लाख से दो करोड़ तक की बात है तो स्टेट कमीशन पे जाएगा और दो करोड़ से भी ज्यादा की बात है अगर तो नेशनल कमीशन पे जाएगा सो right? so, याद रखना फिफ्टी लैक्स एंड टू करोड़ टू नंबर यू शुड रिमेम्बर फिफ्टी लैक्स तक फिफ्टी से दो और दो से प्लस डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल राइट याद रहेगा फिफ्टी लैक्स टू करोड़ नाउ CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कि ट्वेंटी नाइनटीन के एक्ट में आपको सेक्शन टेन के अंदर मिल जाएगी इसके अंदर ये है कि ये एक अथॉरिटी बनाई गई है फॉर रेगुलेटिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली सो ये जो है ना जो भी मैटर्स होते हैं अगर कोई कंज्यूमर का जो राइट right है जो कि हमने अभी पढ़ा कंज्यूमर राइट ठीक है टू सेक्शन टू नाइन नाइन में तो वो राइट का अगर वायलेशन होता है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होती हैं तो इन सब के मैटर को रेगुलेट करने के लिए हमारा सी सी पी ए बनाया गया है ओके okay? और ये हमारा जो कंज्यूमर्स है उनकी राइट right को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है ओके okay. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चीफ कमिश्नर जो होते हैं ना उनको अपॉइंट करती है ठीक है सेंट्रल अथॉरिटी में एक इन्वेस्टिगेटिव विंग होती है जो कि सेक्शन 15 में दी गई हो ठीक है इसका काम क्या होता है जो भी रेगुलेशन uh, है ना उसके लिए कुछ इंक्वायरी लगेगी कुछ इन्वेस्टिगेशन लगेगा वो करने का काम इन्वेस्टिगेटिव विंग का है जो सेक्शन 15 में दिया हो गया हो और उसके अंदर कौन कौन होते हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर जनरल ठीक है ये हमारा सीसीपीए हो गया अब आता है मीडिएशन मीडिएशन क्या होता है तो वो आपको सिंपल टर्म में मैं बताऊं तो जैसे पर्सन एक्स है पर्सनल वा, पर्सन वाई है इन दोनों के बीच डिस्प्यूट है ना तो मीडिएशन की एक टीम बनेगी या फिर एक पर्सन भी हो सकता है और वो दोनों पार्टी की बात एक दूसरे से कराएगा कि इसकी बात ये है ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा इसकी बात ये, ये यहाँ से यहाँ तो बीच का काम करेगा द मीडिएटर राइट तो दिस इज अ प्रोसीजर जो कि हमने एडीआर के अंदर पढ़ा होगा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तो उसी के अंदर हमारा मीडिएशन एक लाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन सेवेंटी फोर में जो कहता है कि ऐसा मिडिएशन सेल हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बनाया जाए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और इसका जो के बारे में बात की गई है और ये मिडी मिडिएशन करेंगे इसके फर्दर रेगुलेशन है जो एक्ट में मेंशन है उसको डिटेल में हमें नहीं जानना एक आइडिया लेना है क्योंकि ओके मीडिएशन इज आल्सो देयर अंडर दिस सेक्शन ठीक है अब हमारा पेनाल्टीज आते हैं थोड़े बहुत तो बहुत सारे लिस्ट दिए एक्ट के अंदर बट ये मेनली इंपॉर्टेंट है तो मैंने ये दे दिया है आपको जैसे कि अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आती हैं तो उसकी पेनाल्टी क्या है तो उसकी पेनाल्टी है टू इयर्स एंड अप टू टेन लैक्स टू इयर्स अप टू टेन लैक्स और फर्दर पेनाल्टीज अगर आपको जाननी हो तो जस्ट डाउनलोड द एक्ट एंड सर्च कंट्रोल एप करके सर्च करना पनिशमेंट देर आपको डिटेल में जाना हो तो अगर आपके पास टाइम हो ठीक है तो ये हो गया पेनाल्टी अब हमारा थोड़ा सा पी वाई क्यूज है तीन साल के 2020, 2021 एंड 2022 ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और अगर आपको ना भी आता हो अगर आपने जो कवर नहीं किया हो तो भी आप कैसे आइडिया लगा सकते हो ठीक है तो यहाँ पे तो जैसे कि क्वेश्चन में हमारा है कि 1986 के बारे में क्योंकि ये 2022 2020 का क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे 1986 से आया था पर 2021 में नहीं आया 2022 में भी नहीं आया और आगे भी 99 परसेंट नहीं आने के चांसेस हैं तो इस वाले क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो बाकी अगर देखना है तो एक आइडिया लगा लो कि जैसे देखो पहले क्या होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है फिर स्टेट आता, आता है फिर नेशनल आता है राइट तो हमारे एक्ट में भी करीब करीब इसी सीक्वेंस में मेंशनड होगा ये एक आइडिया हम लगा सकते हैं ठीक है अगर ये क्वेश्चन नहीं भी हमें आता है तो हम कैसे कर रहे हैं दिमाग लगा के लॉजिक लगा के तो देखो डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशन इस सीक्वेंस में होते हैं ना तो ये मेंशन भी अंडर द एक्ट इसी सीक्वेंस में होगा ये हम एक अंदाजा लगाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन अगर हमें नहीं आता है ये क्वेश्चन करना और निगेटिव मार्किंग है नहीं तो वी हैव टू चूज समथिंग एज पर द लॉजिक तो देखो इलेवन सेवेंटीन

कि 53 के अंदर किया गया है नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल ठीक है उसको और कह क्या कहा जाता है ठीक है तो ये हो सकता है कि आपको पता हो क्योंकि नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये जो रिड्रेसल uh, कमीशन है ये एक बार आप एक बार व्यू देख के ही जाते हो ठीक है बट इसका और नाम क्या है तो इसका और नाम एक है नेशनल कमीशन ठीक है डिस्प्यूट रिडर्सल तो होगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी हमने देख लिया है काउंसिल नहीं लगता है इसलिए कमीशन एक मेजरली बहुत सारे एक्ट्स में से कमीशन बने होते हैं तो वी कैन गेट एन आइडिया थ्रू आर लॉजिक कि हाँ नेशनल कमीशन हो सकता है अगर हमें नहीं आता है तो ठीक है अब ये एक मीडिएशन सेल से क्वेश्चन आया था 2021 में जो कि हमने मीडिएशन सेल का एक आइडिया ले लिया है तो ये एक डीप में क्वेश्चन है कि उसके अगर आपने इतना डिटेल में उसको मेडिएशन को पढ़ रखा हो जो कि लेस चांसेस हैं तो अगर आपको नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आपने इस ऑप्शंस को देख एक के एक लॉजिक के थ्रू आंसर देना है तो पहला ऑप्शन है कि क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर जो है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर उसको मीडिएशन सेल में जाना है तो पहला एक लिस्ट ऑफ इम्पेनल मीडिएटर्स हाँ तभी तो हम डिसाइड करेंगे ना दूसरा ऑल द केसेस हैंडल्ड बाय द सेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग एंड इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन तो ठीक है जो भी रिकॉर्ड्स हैं जो भी केसेस हैं जो भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेश रेगुलेशन है ये सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है इन चारों में से जिसको हम कंप्लीटली रूल आउट कर दें कि नहीं नहीं ये तो इस, इनको क्या जरूरत है ठीक है तो इसका आंसर भी एबीसीडी ही है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एग्जैक्टली exactly यही सोच सकते हो बट लाइक सेवेंटी परसेंट चांसेस आर कि आप सोच सकते हो कि हाँ इसमें से कुछ एक्सक्लूड नहीं हो रहा है और डोंट गो इन टू डिटेल दैट इज माई रिकमेंडेशन एंड सजेशन कि अब ये क्वेश्चन देख के आप पूरा एक्ट मत पढ़ने बैठ जाना क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही आते हैं उसके लिए इतना टाइम देना सही नहीं है बस दो ही क्वेश्चन आए थे ठीक है अब 2022 में क्या क्वेश्चन आया था पहला क्वेश्चन है देखो ये भी 2019 से ही है ठीक है तो 1986 से फिर क्वेश्चन नहीं आया ज्यादा ये क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 टॉक्स अबाउट डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर ठीक है ये सही है या गलत है या फिर इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है और सही है और इसके बारे में कोई बात नहीं की है ये दोनों तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये सही है और 1986 में बात नहीं की गई है जब हमने पढ़ा था कंज्यूमर की डेफिनेशन तो वहीं पे हमने देखा था कि ई e सेलिंग और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसको इंक्लूड की गई है ठीक है तो इसके बारे में बात तो हुई है करेक्ट ट्रू और 1986 में नहीं हुई थी ये अभी इंट्रोड्यूस की गई है दैट्स हाउ आंसर इज फोर दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड दिस वॉज द ओनली क्वेश्चन दैट वॉज आस्ट इन टी टी टू फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए Uh, आपने पीवाई क्यू मुझे मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एक से दो क्वेश्चन आते हैं ठीक है या तो एकदम ईजी आएंगे जो आपने एक बार ऐसे वीडियोस देख लिए तो आपको समझ आ जाएगा और या तो एकदम डिटेल में आएंगे जो आपको एनी anyway वे नहीं आएगा अगर आप पढ़ भी लोगे पूरा का पूरा वो क्योंकि आप इतना डिटेल में एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना इज नॉट लॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी बाकी आप पढ़ सकते हो या पढ़ा है तो अच्छी बात है तो दैट्स ऑल फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पिछली वीडियो में मैंने कंपटीशन एक्ट कवर किया था इसमें कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट कवर किया है नेक्स्ट मैं क्या कवर करूँ इसके लिए प्लीज़ uh, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाल रखा है उस पर एक बार वोट uh, कर देना ताकि मैं उसी के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी क्योंकि उसी के वोट के हिसाब से मैंने सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट का बनाया है स्लाइड्स सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच एंड आई होप की ये वीडियोज आपको हेल्प कर रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी और भी जितने माइनर एक्ट्स हैं वो सारे कवर कर दूँ आप प्लीज कम्युनिटी पर एक बार पोस्ट कर दो ताकि मुझे जल्दी से आइडिया लग जाए कि हाँ आपको क्या चाहिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि एग्जाम बहुत पास है सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी करो और येस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मोटिवेट अस टू कम विथ मोर वीडियोज थैंक यू सो मच